Here is the question. The temperature of city was found to be minus 9.3 degrees Celsius. A car was used whose radiator was filled with 5 liter of water. What minimum quantity of antifreezing agent ethylene glycol were added to water of radiator in order to use the car for traveling? Okay. आपको पास एक सिटी है जहां पर टेम्परेचर कितना है माइनस 9.3 डिग्री सेल्सियस है उस सिटी का टेम्परेचर. वहां पर आपको एक कार को ट्रैवल करवाना है, उस कार के रेडिएटर में 5 लीटर तो आपने वाटर ऐड कर दिया, लेकिन अब कितना मैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड करूं, कितना अमाउंट में इथाइलिन ग्लाइकोल को मैं ऐड करूं कि कार मेरी इजीली ट्रैवल कर पाए, मतलब कि वाटर मेरा फ्रीज नहीं होना चाहिए. क्योंकि देखो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है जबकि सिटी का टेम्परेचर कितना है माइनस 9.3 डिग्री सेल्सियस. तो इस टेम्परेचर पर आपका वाटर फ्रीज ना हो उसके लिए आपको एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड करना होता है इथाइलिन ग्लाइकोल. तो इसका वेट आपको बताना है कि कितना अमाउंट में इसे ऐड करूं. अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये. देखो ध्यान से, पहली बात डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, केएफ इनटू मोलिलिटी, और मोलिलिटी क्या हो जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अब देखो केएफ की वैल्यू दी है आपको 1.86 इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का आपको अमाउंट निकालना ना, बोला सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करो, तो इसके पहले मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं. ठीक है. अच्छा अब क्या रहा वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का तो हमें क्या दिया है वॉल्यूम दिया है, इसको वेट में कन्वर्ट कर लोगे देखो कितना आ जाएगा 5 किलोग्राम आ जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो वाटर है, वाटर की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम. वाटर की डेंसिटी होगी 1 ग्राम पर मिलीलीटर इनटू वॉल्यूम हो जाएगा 5000 मिलीलीटर. तो वेट कितना आ गया, वेट आ गया 5000 ग्राम, और हमें इसको किसमें लिखना है किलोग्राम में, तो कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा. तो वेट आ गया 5 किलोग्राम. अब कौन बचा डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ निकालना है. देखो ध्यान से समझो डेल्टा टीएफ क्या होता है, TF of solvent minus TF of solution. Solvent कौन है water, water का freezing point 0 degree Celsius minus, अब देखो solution, solution तो हमारे पास नहीं है लेकिन हमें बोला है कि CT का इतना temperature है, मतलब कि यहां से तो हमें नीचे लाना ना. ठीक है तो कितना हो गया minus 9.3 degree Celsius. तो delta TF क्या हो गया plus 9.3 degree Celsius. तो ये तो क्या गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि इतना आपको डिप्रेशन में लाना है टेम्परेचर को. ठीक है तो ये आ जाएगा 9.3 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर आ गया 9.3 डिग्री सेल्सियस. बस इसे आपको क्या करना है सॉल्यूशन करना है इसका. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर कितना आएंगे 25 मोल्स आपको क्या चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए, लेकिन हमें तो बोला है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या वेट कैलकुलेट करो, इसका वेट कैलकुलेट करो. देखो मोल्स इनटू मोलर मास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, मोल्स है 25, मोलर मास होगा 62, वेट कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 1550 ग्राम. तो हियर इज द योर आंसर एंड चेक कर लो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन.